श्री विंसर महादेव मंदिर निर्माण एवं क्षेत्र में बहुउद्देशीय विकास के लिए 9 ग्राम पंचायतों ने अभिनव प्रयोग करते हुए 3 दिवसीय बहुउद्देशीय महोत्सव का शुभारंभ किया। थराली प्रखंड के अति दूरस्थ क्षेत्र आलकोट गांव में 3 दिवसीय ओम श्री विंसर महादेव विकास एवं सांस्कृतिक बहुउद्देशीय महोत्सव का विधि विधान पूर्वक और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ आगाज हो गया है। शुक्रवार को ग्राम पंचायत तालुकाज के GIC खेल मैदान में क्षेत्र के 9 ग्राम पंचायतों के विंसर महादेव की भक्तों द्वारा आयोजित ओम श्री विंसर महादेव विकास एवं सांस्कृतिक महोत्सव का शुभारंभ पुजारियों क्षेत्र विधायक भोपाल राम टमटा ब्लॉक प्रमुख यशपाल सिंह नेगी बेतालेश्वर महादेव मंदिर थराली के महंत सच्चिदानंद गिरी महाराज 9 ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधान गणों क्षेत्र पंचायत सदस्यों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने माँ सरस्वती चित्र और विंसर महादेव के प्रतीक चिन्ह पर पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित करके किया। इसके बाद ग्राम नौड़ा की महिलाओं ने उत्तराखंड की आराध्य देवी माँ नंदा राज जात की शानदार झांकी निकालते हुए मंच पर प्रस्तुति देकर माहौल को नंदामय बना दिया। क्षेत्र के उभरते हुए लोक गायक मयंक पुरोहित ने अपना हाल ही में रिलीज हुआ शिव भजन की प्रस्तुति देकर माहौल को शिवमय बना दिया और जमकर तालियां बटोरी। बता दें कि विंसर महादेव की पूजा अर्चना पूर्व की भांति विंसर खाल में आगामी 14 जनवरी को होना निश्चित हुआ है, लेकिन इस बार 9 ग्राम पंचायतों की आपसी सहमति पर पहली बार क्षेत्र को सामाजिक एवं बौद्धिक जागृति के साथ धार्मिक पर्यटन तथा विकास की मुख्य धारा में शामिल करने की स्थानीय GIC आलकोट के खेत प्रांगण में 3 दिवसीय बहुउद्देशीय श्री विंसर महादेव विकास एवं सांस्कृतिक महोत्सव को आयोजित किया गया है, जिसमें क्षेत्र के सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इस अवसर पर विधायक भोपाल राम टमटा ने विंसर महादेव मंदिर में रैन सेट के लिए 5 लाख रुपए की घोषणा, अनुसूचित जाति बस्ती मेटा में प्रतीक्षालय के लिए 2 लाख रुपए, GIC परिसर में बाउंड्री वॉल की घोषणा सहित अपने उद्बोधन में कहा कि आलकोट इंटर कॉलेज भवन के नव निर्माण के लिए उन्होंने शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया है। यह कार्यक्रम लगातार 3 दिनों तक चलता रहेगा। कार्यक्रम का संचालन रमेश देवराडी ने किया। मैं बात करूंगा कि आप हमारे इस कार्यक्रम में जो है सम्मिलित हुए, आपने प्रतिभाग किया। दूसरी बात यह है कि ये एक बहुत क्षणिक समय में इस कार्यक्रम को रखा गया था और मैं क्षेत्र की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने जो है बड़ा सहयोग हम लोगों को दिया है। और अगर भीड़ नहीं होती तो महोत्सव भी नहीं होता, और आप लोगों ने जो है अपने तन मन धन से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना पूर्ण सहयोग दे रहे हैं। और आने वाले दो दिन हैं हमारे, कल भी यहाँ पे हमारे जो प्रतिभाएं हैं ग्राम स्तर पे, जो प्रतिभाएं हैं महिला मंगल दल हैं, स्वयं सहायता समूह हैं, उनके द्वारा यहाँ कल प्रतिभाग किया जाएगा और रंगारंग कार्यक्रमों की उनके द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। और 14 तारीख को जो हम लोगों का एक उद्देश्य है, जिस उद्देश्य के साथ इस महोत्सव को प्रारंभ किया गया है, यहाँ से विंसर महादेव मंदिर तक सारे लोग जितने जिस स्थान पर हम खड़े हैं राजकीय इंटर कॉलेज पोखरी में, यहाँ से वो मंदिर हमारा जो पड़ेगा वो 3 किलोमीटर की दूरी पर पड़ेगा और एक घने जंगल के अंदर विराजमान है हमारे विंसर महादेव जी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इन सब सारे लोगों को सूचित करना चाहूँगा कि 14 तारीख को बढ़ चढ़ करके वहाँ पर अपना जो है पहुँचें। और साथ ही हमारे एक बड़े व्यवसायी हमारे छोटे भाई सुरेंद्र सिंह नेगी जी के द्वारा वहाँ पे छोटे एक भंडारे का भी आयोजन किया गया है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सब लोगों को सूचित करना चाहता हूँ, सब लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि वो बढ़ चढ़ करके कल और परसों अपनी भागीदारी देंगे। धन्यवाद। बात करता हूँ कि आप हमारे इस मंच में उपस्थित हुए और हमारे विंसर महादेव के सभी भक्तजनों द्वारा ये आपस में चर्चा की गई कि हमारे इस क्षेत्र की पहचान जो कि 9 ग्राम पंचायतें 9 ग्राम पंचायतें हमारे थराली ब्लॉक में मिली हैं, उनका विकास के लिए हमारा एक साझा गैर राजनीतिक मंच होना चाहिए। और उस मंच के तहत हमारे ये 3 दिवसीय विंसर महादेव विकास एवं सांस्कृतिक आयोजन हुआ और इसका आज हमारा प्रथम दिवस का कार्यक्रम समाप्त हुआ। कल भी हमारे जो हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और परसों को हमारी वहाँ पर जो है पूजा पूरे भक्त लोगों के साथ वहाँ पर विंसर महादेव की हमारी मूर्ति वहाँ पर विराजमान होगी और मंदिर निर्माण के लिए हमारा उत्तरायण से आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा तय की जाएगी और उसके बाद
हमारे सुरेंद्र सिंह नेगी जी द्वारा वहाँ पर भंडारे की व्यवस्था की गई है। तो सभी भक्तों से अनुरोध है कि आप उसमें मतलब तन मन धन से और श्रद्धा विश्वास और एक समर्पण की भावना से वहाँ पर उपस्थित होने की कृपा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बोल विंसर महादेव की। खबर भारत वर्ष के लिए चमोली उत्तराखंड से सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।